Hello student, today I talk about a topic which is related to class 11th, chapter 5th, morphology of a flowering plants. And here I explain about the stem. So the main topic of the morphology of a flowering plant chapter is the stem, and uh, this is a part two of the morphology of a flowering plant. In the first part, I explain about the root so here student as you know that this structure is showing the stem structure and here you seen more thing so stem is greenish part at the earlier phase present in a plant but after that old age of a plant then the stem contain brown color or woody structure so that's a fact related to stem and as you know that the stem is a part of a suit system and here I define about the suit system is generally an above-ground aerial erect ascending axis of a plant body and which is developed from the plimule of the embryo. So as you know that in the previous video, I explain about the this is a structure of a seed and here.

जिसमें एरियल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं सो so, ये तो फैक्ट है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेम आफ्टर दैट स्टूडेंट हियर वी अंडरस्टैंड अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ द स्टेम। सो एज यू नो दैट स्टेम इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दैट कैन बी डिफाइंड एज द असेंडिंग पार्ट मूव्स अपवर्ड डेवलप फ्रॉम द प्लीम्योल्स एंड डिवाइड्स इन नोड्स एंड इंटरनोट सो हियर हम नोड एंड इंटरनोट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये आप एक स्टेम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और इस स्टेम के स्ट्रक्चर में इस पोर्सन से न्यू ब्रांचेज या लीफ के स्ट्रक्चर अराइज हो रहे हैं और इस पोर्सन से भी लीव के स्ट्रक्चर एराइज़ हो रहे हैं सो so ये जो पोर्सन है दीज बोथ पोर्सन आर नोन एज अ नोड एंड जो ये रेस्ट पार्ट है दो नोट्स के बीच के डिस्टेंस को हम इंटर बोलते हैं सो so ये तो कॉन्सेप्ट हुआ नोड एंड इंटरनोड से रिलेटेड आफ्टर दैट थर्ड टॉपिक को अगर हम समझें सो दैट शोज द पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक दैट मीन्स कि ये जो ट्रॉपिज्म की प्रोसेस शो कर रहे हैं लाइट से रिलेटेड ट्रॉपिज्म की प्रोसेस शो कर रहे हैं वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है दैट मीन्स कि जो ये प्लांट का स्ट्रक्चर है जो स्टेम का स्ट्रक्चर है वो टूवर्ड्स द सन लाइट मूव करेगा अपने मूविंग को वो सन लाइट की तरफ दिखाएगा दैट मीन्स द पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक आफ्टर दैट निगेटिवली जियोट्रॉपिक दैट मीन्स कि ये जियोट्रॉपिस के अपोजिट वर्क कर रहा है स्टेम का स्ट्रक्चर सो इसलिए यहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो रहेगा निगेटिव जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक ऑल्सो सो स्टेम का स्ट्रक्चर वाटर से दूर जाएगा सो so, यहाँ पर वो हाइड्रोट्रॉपिक निगेटिवली शो करेगा आफ्टर दैट स्टूडेंट अदर फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं सो एज यू नो दैट स्टूडेंट स्टूडेंट यहाँ पे स्टेम के स्ट्रक्चर में बड के पोर्शन भी प्रेजेंट होते हैं सो so यहाँ पे हम उन्हें भी अंडरस्टैंड करेंगे सो so एक प्लांट्स में दो टाइप के दैट्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स में दो टाइप के बड के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे फर्स्ट वन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव बर्ड एंड अनदर वन को बोलते हैं फ्लोरल बर्ड तो so जो वेजिटेटिव बड के स्ट्रक्चर हैं वो ब्रांच को फॉर्म करेंगे लीफ को फॉर्म करेंगे और जो फ्लोरल ब्लड के स्ट्रक्चर हैं वो फ्लावर को फॉर्म करेंगे सो so, इन्हें हम रिप्रोडक्टिव बड भी बोलते हैं आफ्टर दैट स्टूडेंट दो टाइप के और इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं बड से रिलेटेड और वो हैं कि यहाँ पे हम लोकेशन के बेस पे या पोजिशन के बेस में इन्हें दो टाइप में डिविजल करते हैं फर्स्ट वन को हम बोलते हैं एक्जिलरी बड एंड सेकेंड को हम बोलते हैं टर्मिनल बर्ड सो यहाँ पे इनके प्रोसेस को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे एपिकल बर्ड जो है या टर्मिनल बर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट्स में अबव साइड में प्रेजेंट होता है सो so, जैसे कि आप ये स्टम का स्ट्रक्चर यहाँ पे सीन कर रहे हैं सो so, ये जो बर्ड का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज एपिकल और टर्मिनल बट जो कि प्लांट्स की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंड आफ्टर दैट जो मैंने सेकेंड वन बोला जैसे मैंने बोला एक्सिलरी वो एक्सिलरी का पोर्शन जो है वो लेटरली प्रेजेंट होगा जो ब्रांचेस का फॉर्मेशन करना है वो लेटरल पोर्शन में प्रेजेंट होगा सो इनसे मोस्टली फ्लावर का फॉर्मेशन या लीव्स का फॉर्मेशन या ब्रांचेस का फॉर्मेशन बड के स्ट्रक्चर से होता है आगे चीज़ों को समझते हैं सो एज यू नो दैट नेक्स्ट है अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ द स्टेम की सो so यहाँ पे अगर हम फंक्शन की बात करते हैं स्टेम्स के सो so जो स्टेम का स्ट्रक्चर है वो प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसके साथ ही साथ ये वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है ट्रांसपोर्ट करता है साथ ही साथ ये फूड को भी ट्रांसफ़र करता है बिकॉज ऑफ स्टम के स्ट्रक्चर में जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हैं सो ये दोनों फंक्शन यहाँ पे डन करेगा आफ्टर दैट दे ऑल्सो स्टोर फूड स्टेम के ही स्ट्रक्चर हैं फॉर एग्जाम्पल वो ट्यूबर के फॉर्म में हो कॉर्म के फॉर्म में हो वो फूड को भी स्टोर करते हैं देन आफ्टर दैट दे आर अनादर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोलिफ्रेशन एंड प्रोपिगेशन प्रोसेस प्रोलिफ्रेशन का मीन्स होता है बढ़ाना फैलाना प्रसार करना सो so, यहाँ पे जो स्टेम का स्ट्रक्चर है वो प्लांट के स्ट्रक्चर को प्रोलिफ्रिएट करता है और साथ ही साथ दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोपगेशन दैट मीन्स कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है या हम ये कहें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो भी स्टेम के थ्रू होती है जहाँ पे ये ऑफ सैट रनर ट्यूबर शक्कर बल्ब के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और प्रोपगेशन की प्रोसेस को भी डन करते हैं आफ्टर दैट दे प्रोड्यूस सपोर्ट फॉर द क्लाइंबर्स और जो क्लाइंबर्स प्लांट होते हैं उनमें ये सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हैं एज यू नो दैट कि जो स्टेम के ड्रल के स्ट्रक्चर होते हैं वो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो ऑफर प्रोटेक्शन ये प्रोटेक्शन भी देते हैं जिन प्लांट्स में स्टेम के स्ट्रक्चर स्पाइंस के फॉर्म में थ्रॉन्स के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं वहाँ पे ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं तो ये कुछ बेसिक से फंक्शन हैं जो कि स्टेम से रिलेटेड हैं आगे बात करते हैं सो हियर स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेम इज़ मॉर्फोलॉजी स्टेम में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो है मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम दैट्स मीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडिफिकेशनस ऑफ द स्टेम जहाँ पे स्टेम अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहा है फंक्शन के बेस पे स्टोरेज के बेस पे या एन अदर फंक्शंस के बेस पे सो so, अगर यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को अंडरस्टैंड करते हैं तो यहाँ पे हमने थ्री पार्ट्स में मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम को डिविजबल कर दिया है फर्स्ट है अंडरग्राउंड देन है सब एरियल एंड लास्ट वन है एरियल अंडरग्राउंड का मीनिंग है ऐसे स्टेम के पार्ट्स जो सॉइल्स के नीचे प्रजेंट हैं जो अंडरग्राउंड पोर्शंस है उन्हें हम यहाँ पे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम बोलेंगे सब एरियल का मीन्स है जहाँ पे कुछ पार्ट्स अंडरग्राउंड है और कुछ पार्ट एयर में है मतलब अबव द सॉयल पोर्शन है उसे हम सब एरियल बोलते हैं एंड आफ्टर दैट द थर्ड वन इज अ एरियल जहाँ पे टोटली totally जो पार्ट है स्टेम का वो एरियल है ग्राउंड के अबव साइड में so, प्रेजेंट है तो उसे वहाँ पे हम एरियल बोलते हैं तो यहाँ पे अगर हम थ्री स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अंडरग्राउंड में राइजोम ट्यूब कॉम बल्ब के स्ट्रक्चर आते हैं सब एरियल में रनर स्टोलन ऑफसेट सकर के पोर्शन आते हैं एरियल में टेंड्रिल थ्रॉन क्लैड क्लैडोड बुलबिल के स्ट्रक्चर आते हैं अब हम इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे सोही स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम में अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे अंडरग्राउंड मोडिफिकेशंस में फर्स्ट वन जो होगा वो ट्यूबर का स्ट्रक्चर होगा ट्यूबर का बेसिक सा एग्ज़ाम्पल आप जानते हैं पोटैटो यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम में हो रही है एज ऐ एग्जाम्पल ऑफ अ स्टोरेज ऑफ अ फूड के फॉर्म में भी आप बोल सकते हैं कि जो स्टेम का स्ट्रक्चर है वो फूड स्टोर कर रहा है सो so, ट्यूबर के स्ट्रक्चर क्या होते हैं ये सॉलिड इंड होते हैं स्पेशलाइज्ड ब्रांच के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अंडरग्राउंड डेवलप होते हैं और इनसे फ्लोरल लीव्स के स्ट्रक्चर भी फॉर्म होते हैं एंड ये हॉरीजेंटल होते हैं और ट्यूबर में कुछ नंबर ऑफ आइस के स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जिनसे कि न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन भी होता है पोटैटो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिसका बोटानिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है सो so ये है एग्जाम्पल ट्यूबर का अगली बात करें अगर हम राइजोम की सो so राइज़ोम जो स्ट्रक्चर होता है ये थिक एंड पार्ट होता है हॉरिजेंटल प्रेजेंट होता है और ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये प्रोवाइड करता है नोड एंड इंटर नोड के स्ट्रक्चर को और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा वो जिंजर होगा इसका बेस्ट एग्जाम्पल सो ये राइजोम हो गया बल्ब की बात करते हैं सो so यहाँ पे ओनियन जो है वो इसका बेसिक एग्जाम्पल होता है बल्ब का स्ट्रक्चर जहाँ पे ये हाईली रिड्यूस्ड कोनिकल स्टेम फॉर्म करता है जहाँ पे न्यूमेरस स्केल्स लीव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सो so, ये है बल्ब का स्ट्रक्चर एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कॉर्म का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम घनकंद बोलते हैं और ये भी स्टोरेज ऑफ फूड के फॉर्म में ही बोला जाता है सो so, ये कंडेंस पार्ट होता है सॉलिड होता है फ्लैशी होता है और अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट होता है सो so, ये पार्ट हमने यहाँ पे समझे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में अंडरग्राउंड ग्राउंड के बारे में आफ्टर दैट यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक टेक करते हैं और वो है सब एरियल मॉडिफिकेशन का पार्ट सब एरियल का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्टेम का पार्ट है वो रिमेन अंडरग्राउंड एंड अदर अबोव ग्राउंड दैट्स मीन्स कि जो स्टेम का पार्ट है वो उनमें से कुछ पार्ट जो है वो ग्राउंड के ऊपर है दैट्स मीन्स कि जिसे हम अबव ग्राउंड बोल रहे हैं और कुछ पार्ट जो है वो सॉयल के नीचे है अंडरग्राउंड है तो इसे हम बोलते हैं सब एरियल मोडिफिकेशन अब यहाँ पे जो सब एरियल मोडिफ़िकेशनस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे एक होगा रनर देन स्टोलिन सो अब इन कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं एंड एक ऑफसेट है एंड एडवेंटिशियस रूट है इन कॉन्सेप्ट को अगर हम अंडरस्टैंड करें सो so यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रनर के स्ट्रक्चर की सो so यहाँ पे आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे अगर रनर्स जो है वो सब एरियल पार्ट है वीक होता है स्लेंडर होता है और इसका बेसिक एग्जाम्पल हम ग्रासेस में देखते हैं फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ग्रास के स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे ये ग्रास है ये इसकी मेन रूट का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये स्टेम का जो ये पार्ट आप देख रहे हो जो इसे जोड़ रहा है साथ में इसे, साथ में देने से ये है रनर का पार्ट सो so ये जो रनर का पार्ट है ये सिलेंडर होगा क्रीप करता है ब्रांचेस का फॉर्मेशन करता है और ये डिफ्रेंशिएट होता है नोड एंड इंटरनोड के स्ट्रक्चर में भी और इनसे एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन भी होता है बिकॉज ऑफ हम जानते हैं कि एडवेंटिशियस रूट वो है जो रेडिकल के पोर्शन से ना फॉर्म होकर के प्लांट के किसी अदर पार्ट से पार्ट फॉर्म होते है सो उसे हम क्या बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं सो यहाँ पे रनर के पोर्शन से या स्टेम के पोर्शन से ये फॉर्म होते हैं सो so, यहाँ पे ऑगजैलिस एंड ग्रास जो है वो इसका बेसिक एग्जाम्पल होगा देन उसके बाद अगर हम स्टोलन की बात करें सो so स्टोलन का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी रनर जैसा ही होगा लेकिन ये जो है सिलेंडर लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट होगी बेस ऑफ द स्टेम से और ये ऑब्लिक ग्रो करती है ये इसका नेचर है एंड इसका जो बेसिक एग्जाम्पल होता है वो यहाँ पे हम स्ट्रॉबेरी बोलते हैं जिसमें हम स्टोलन की बात करते हैं ऑफसेट की अगर हम बात करें तो so ऑफसेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो शॉर्ट होता है थिक होता है स्लेंडर स्ट्रक्चर होता है रनर जैसा ही होता है और इसमें भी जो स्ट्रक्चर है वो लिमिटेड होगा और ये ऑफसेट uh, का जो स्ट्रक्चर है इसका बेसिक एग्जाम्पल होता है हाई वाटर हाई का स्ट्रक्चर जिसे हम uh, इचॉर्निया भी बोलते हैं सो so ये इसका बेसिक सा एग्ज़ाम्पल होगा एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ये एडवेंटिशियस रूट जो कि स्टेम के स्ट्रक्चर से फॉर्म हो रही हैं और लास्ट वन यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं शकर एग्ज़ाम्पल लेंगे फोर्थ जो है ये क्या है ये लेटरल ब्रांच के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नोट से ओरिजिनेट होते हैं और अंडरग्राउंड स्टेम में भी बोले जाते हैं ये ऑब्लिक अपवर्ड प्रेजेंट होते हैं और इसका जो बेसिक सा एग्जाम्पल होगा शकर का वो होगा बहुत फेमस है जिसे हम बोलते हैं मिंट तो ये इसका शकर्स का बेसिक एग्जाम्पल्स होगा यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्पल्स हैं इन्हें आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सो यहाँ पे हमने रनर शक्कर ऑफसेट और स्टोलिन के स्ट्रक्चर को समझा जो कि सब एरियल मॉडिफिकेशंस में आते हैं आफ्टर दैट यहाँ पे जब हम बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन की सो so ये एरियल मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे फिल्लो कैड बलबिल्स क्लैडोड थ्रॉन के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो इन्हें समझेंगे और अंडरस्टेंड करेंगे सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड अबाउट द थॉर्न थॉर्न का स्ट्रक्चर आप लाइटली बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा इस्पाइन जैसा होता है सो थ्रॉन का जो थॉर्न का स्ट्रक्चर जो होगा वो हार्ड होता है पॉइंटेड होता है यूजली स्ट्रेट स्ट्रक्चर प्रजेंट होता है और फॉर्म किससे होता है ये मॉडिफाई होता है एग्जीलरी बड के स्ट्रक्चर से और ये मोस्टली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्राउजिंग एनिमल्स से ब्राउजिंग एनिमल्स का मीनिंग होता है जो चरते हैं प्लांट्स को एंड कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पे ये एपिकल बड के स्ट्रक्चर से भी फॉर्म होता है सो so, यहाँ पे आप थॉर्न के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन प्लांट्स के स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थॉर्न का स्ट्रक्चर यहाँ पे अराइज हो रहा है तो ये है थॉर्न का स्ट्रक्चर जो कि एग्जीलरी बड से फॉर्म हुआ है और इसका बेसिक सा एग्जाम्पल होगा अकेशिया निलोटिका बबूल के पेड़ जो आप मोस्टली देखते हैं या बॉगिन बेलिया के प्लांट्स देखते हैं या सिट्रस का प्लांट है ठीक है डुरान्टा का प्लांट है इनमें बेसिक एग्जाम्पल है जहाँ पे टेंड्रिल के स्ट्रक्चर फॉर्म थॉर्न के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट होगा थॉर्न से रिलेटेड सो so, सिट्रस के प्लांट्स में आपने देखा भी होगा बेसिक एग्जाम्पल है इसका देन हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन में नेक्स्ट है फिल्लैट का स्ट्रक्चर फिल्लो क्लैट का स्ट्रक्चर हम बोलते हैं बेसिकली जहाँ पे स्टेम का स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है फ्लैट फ्लैसी स्ट्रक्चर में और उसे हम लीव समझने लगते हैं या उसे हम लीव लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं ग्रीनिस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये सो so, उसे हम बोलते हैं फिल्लो क्लैट का स्ट्रक्चर सो so, इसमें स्टेम का जो स्ट्रक्चर है वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लीव लाइक स्ट्रक्चर में और जो ये फिल्लो क्लैट का स्ट्रक्चर है ये ग्रीनिश होता है फ्लैट एंड होता है साथ ही साथ ये सकुलेंट भी होता है जो थोड़ा सा फ्लैशी होते हैं और उनमें लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये फिल्लो क्लैड है और इसका बेसिक एग्जाम्पल जैसे आप नागफनी या अपुंशिया के पेड़ को बोलते हैं और साथ ही साथ जो भी आपके ज़ीरो फाइट प्लांट्स हैं जो कि सैंड रिच एरिया में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे उन्हें हम जीरो फाइट प्लांट्स बोलते हैं और यहाँ पे जो स्टेम का स्ट्रक्चर है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो गया है और ये फोटोसेंथिसिस की प्रोसेस को भी शो करते हैं सो ये इनके बेसिक से एग्ज़ाम्पल होंगे अपुंशिया का प्लांट बेसिक एग्ज़ाम्पल होगा इनका एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं इन प्लांट्स को आपने देखा भी होगा सो so ये इनके बेसिक एग्ज़ाम्पल हैं आफ्टर दैट बात करते हैं हम एरियल मॉडिफिकेशंस में क्लैडो के क्लैडोट के स्ट्रक्चर को और क्लैडोट की बात करें सो so ये क्या है ग्रीन ब्रांचेज लिमिटेड ग्रोथ जो शो करती हैं और उन्हें हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्लैडोड बोल रहे हैं सो so सोहियो जो क्लैडोड के स्ट्रक्चर होंगे वो ग्रीन होते हैं सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं या फ्लैट होंगे और यहाँ पे जो स्टेम की ब्रांच है वो लिमिटेड ग्रोथ शो करती है मतलब कि फिल्लो क्लैड जैसा यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन टू टू इंटरनोड के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे और क्लैडोड इसका बेसिक सा एग्जाम्पल होगा और इसका ये एग्ज़ाम्पल में अगर हम बात करें सो so, एस्परेगस शतावर का जो प्लांट होता है वो इसका बेसिक एग्जाम्पल होगा आप लोगों ने एस्परेगस के प्लांट्स को देखा भी होगा सो so, ये इसका बेसिक एग्ज़ाम्पल होगा बलबिल की बात करें तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे जो एक्सिलरी बड का स्ट्रक्चर है ये फ्लैशी हो जाता है राउंडेड शेप में हो जाता है और फूड को स्टोर करने लगता है उस टाइम पे हम इस सिस्टम के स्ट्रक्चर को बलबिल्स बोलते हैं और इसका जो बेसिक सा एग्ज़ाम्पल है वो है डाइस कोरिया का एग्ज़ाम्पल हो जाएगा सो so ये कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड थे मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम के स्ट्रक्चर से एरियल मॉडिफिकेशन के स्ट्रक्चर से और साथ ही साथ यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल एक होता है टेंड्रिल का जहाँ पे स्टेम का स्ट्रक्चर जो है वो स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है और प्लांट्स को हेल्प करता है क्लाइंब करने में सो so, इनके जो बेसिक्स एग्ज़ाम्पल हैं वो है विटिस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा या आपने मुझसे अंगूर का जो प्लांट्स है उसमें भी ये स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं एंड ये इसके बेसिक एग्जाम्पल हो जाएंगे सो so, ये है टेंडरल के पार्ट्स के बारे में सो so यहाँ पे हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम में मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम में एरियल मॉडिफ़िकेशन सब एरियल मॉडिफ़िकेशन और अंडरग्राउंड मॉडिफ़िकेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझा आई होप स्टूडेंट आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे सो थैंक यू स्टूडेंट